इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच से केएल राहुल रूल्ड आउट हो चुके हैं। सेकंड टेस्ट मैच भी उन्होंने इंजरी के चलते मिस किया था। अब सेम रीज़न थर्ड टेस्ट में अभी 100% रिकवरी नहीं हो पाई है केएल राहुल की, इसी के चलते वो थर्ड टेस्ट मैच भी मिस करने वाले हैं। इस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिक्कत है जो बीसीसीआई के लिए, जो राहुल द्रविड़ एंड टीम मैनेजमेंट के लिए कि नंबर चार पे कौन खेलने वाला है, नंबर चार की जो प्रॉब्लम है वो हमने देखा है इंडिया में प्रोलॉन्ग्ड रही है। बीच में काफ़ी हद तक सॉल्व हुई थी जब अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा कंसिस्टेंटली खेल रहे थे, बट अब वापस ये इशू आ रहा है कि चार नंबर पर कौन खेलने वाला है, स्पेशली थर्ड टेस्ट मैच। अब देखिए, आपके पास दो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, आपके पास सरफराज खान हैं जो उनको आपने टीम में पहले ही ले रखा है और क्या परफॉर्मेंस की वजह से लिया है, और अब केएल राहुल के इंजर्ड होने के बाद उनका रिप्लेसमेंट आए हैं देवदत्त पार्टिकल। अब ये दो प्लेयर्स हैं, इन दो प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर खेलेगा नंबर चार पे, ये क्वेश्चन की बात है टीम मैनेजमेंट के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए, ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर्स के लिए भी। एक बार हम दो प्लेयर्स की एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। सरफराज खान का जो लास्ट रणजी सीजन था उसमें उन्होंने 982 रन मारे थे, 982 रन मारे थे, और उसमें उनका एवरेज 123 का था। 123 का एवरेज होना रणजी क्रिकेट में मतलब सपनों जैसा है। उस रिकॉर्ड के चलते, वैसी परफॉर्मेंस के चलते आज इतने टाइम बाद टेस्ट क्रिकेट में उनको जगह मिली, और मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है, इसके वजह से सरफराज खान एक शायद फर्स्ट चॉइस बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से टीम में थे। और एक सबसे बड़ा रीज़न, जो सरफराज खान की बैटिंग पोजीशन है मुंबई के लिए रणजी क्रिकेट में, वो नंबर चार ही है, और नंबर चार पे ही केएल राहुल खेलते अगर वो फिट रहते। तो चार नंबर पे जो एक्सपीरियंस सरफराज खान के पास है, वैसा एक्सपीरियंस देवदत्त पार्टिकल के पास इस टाइम पे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देवदत्त पार्टिकल की तरफ जाएँ, देवदत्त पार्टिकल ने इस रणजी सीजन में पिछले चार मैचेस में 3 सेंचुरीज मारी हैं, और उनका भी एवरेज 93 का है, 92.66 टू बी प्रिसाइज उनका एवरेज है इस टाइम पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनकी लास्ट सेंचुरी आई वो तमिलनाडु के अगेंस्ट आई, और वो मैच देखने अजीत अगरकर गए हुए थे जो चीफ सिलेक्टर हैं इंडिया के, उसी के चलते उनको एज अ रिप्लेसमेंट बुलाया गया, क्योंकि अगेन आपके पास केएल राहुल नहीं है तो आपको स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए एक और बैटर की ज़रूरत है। तो ये दो प्राइम कंटेंडर्स हैं नंबर चार के लिए, सरफराज खान और देवदत्त पार्टिकल। मुझे प्राइमरी लगता है कि सरफराज खान शायद अपना ड्रीम डेब्यू करेंगे, इतने सालों का जो मेहनत है उनका, इतने सालों से जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी क्रिकेट में रन स्कोर करे हैं, उसी के चलते मुझे लगता है उनको इस बार मौका मिलेगा थर्ड टेस्ट में। चौथे टेस्ट मैच में, पांचवें टेस्ट मैच में केएल राहुल अगर रिकवर हो गए, फिट हो गए, तो 100% आपको रिकवरी आते हुए दिखेंगे, वो वापस आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच में किसी ने भी सेंचुरी स्कोर किया, उनमें से सरफराज खान खेलते हैं और उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया, तो उसके वजह से नंबर 5 या 6 पे जो बैटर्स हैं शायद उनको जगह बनानी पड़े। बट फिलहाल इस पोजीशन पे नंबर 4 के प्राइम कंटेंडर्स देवदत्त पार्टिकल और सरफराज खान में से सरफराज खान दिखाई दे रहे हैं, और 5 पे आपको वापस रजत पाटीदार ही दिखाई देंगे, और 6 पे हो सकता है इस बार केएस भरत की जगह ध्रुव जुरेल दिखाई दे। तो ये रह सकता है इंडिया का मिडिल ऑर्डर। आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किसको जगह मिलनी चाहिए, देवदत्त पार्टिकल को या सरफराज खान को इंडिया के मिडिल ऑर्डर में। और बाकी इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पर।